इस गांव में घोर अंधेरा है। घरों के सारे दरवाजे बंद हैं, गलियां सुनसान हैं, गांव में कोई नहीं है। गांव के सरहद पर चार आदमी हड़बड़ी में अपना सामान ढोते हुए चले जा रहे हैं। अचानक तेज हवा चली, दूर कहीं लोमड़ियां चिल्लाते हैं। एकाएक वे चारों हवा में उठे और उल्टे होकर चिल्ला रहे हैं। देखते ही देखते आग लग गई और वे चारों उस आग में जलकर राख हो गए। ये शिवपुरी नामक एक गांव है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस गांव में सभी सुखपूर्वक अपने अपने कामों को कर रहे हैं और जीवन बिता रहे हैं। जबकि ये ऐसा था, एक अमावस्या की रात गांव में गाय बकरियां अचानक नीचे गिरकर मर रहे हैं। हरे भरे फसल सूख रहे हैं। नदी का सारा पानी भाफ बनकर उड़ गया। धरती में दरारें पड़ गईं। पीने को एक बूंद पानी तक नहीं। गांव में कोई नहीं समझ पा रहा है कि हो क्या रहा है। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि गांव पीड़ा ग्रस्त हो गया है। उसी गांव में रहने वाले वंशी, बालाजी, गोपाल गांव के बीचों बीच स्थित चौपाल के पास बैठकर बातें कर रहे हैं। गोपाल अचानक खड़े होकर चिल्लाते हुए हवा में 6 फीट की ऊंचाई तक उड़ा, उल्टा लटक गया है। बचाओ बचाओ, बालाजी मुझे पकड़कर खींच रहा है कोई, मुझे बचाओ बचाओ। गोपाल डरो मत, गोपाल डरो मत। वंशी और बालाजी दोनों मिलकर एक रस्सी लाकर उस रस्सी के सहारे हवा में उल्टे उल्टे लटके गोपाल को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उनसे नहीं हो पा रहा है। गोपाल के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी ग्रामीण चौपाल के पास पहुंचे और जो कुछ हो रहा सब देख रहे थे। अचानक आग की लपटें उठी और उस आग में गोपाल जलकर भस्म हो गया। अचानक गोपाल कैसे आग में जल गया? आखिर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमावस्या के दिन हमारे गांव में पशु और मनुष्य मर रहे हैं, फसलें सूख रही है, पानी बाष्पित हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो हम तुरंत सात्विक मुनि के आश्रम जाकर सब कुछ उन्हें बताकर स्वामी की मदद लेनी चाहिए। वंशी और बालाजी गाँव से दूर सात्विक मुनि के आश्रम जाकर मुनि को सब कुछ विस्तार से बताते हैं। ये कोई निगुड़ काल प्रतीक विद्या लग रहा है, आप जो कह रहे हैं उसे सुनकर लगता है। प्रतीक विद्या स्वामी, इसका क्या अर्थ है? हमारी सृष्टि और जीव गमन को समाप्त करने वाली ही ये काल प्रतीक विद्या है। इस विद्या का प्रयोग जिस गांव पर किया जाता है, पशु और पक्षी भी एकाएक मर जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है, वो गांव शमशान बन जाता है। पीने को कुछ नहीं मिलने से लोगों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन कौन तुम्हारे गांव पर इस विद्या का प्रयोग कर रहा है, ये बताने की शक्ति मुझमें नहीं है बेटा। आप सभी ग्रामवासी बहुत सावधान रहे। बालाजी और वंशी जब सात्विक मुनि के आश्रम से बाहर आए, वंशी वहीं पत्थर पर बैठ गया। बालाजी के कितना भी पुकारने पर वह सुन नहीं रहा है। वंशी चल, तुझे क्या हुआ, चलो चलते हैं। बालाजी के कितना भी पुकारने पर वंशी नहीं हिलता। उधर से गुजरते चार ग्रामीण बालाजी और वंशी के पास आकर वंशी वंशी चिल्लाते हैं। उन चीखों को सुनकर सात्विक मुनि अपने आश्रम से बाहर आकर देखते हैं। वंशी सबके देखते ही हवा में 6 फीट ऊपर उठता है और सर नीचे पैर ऊपर उलट जाता है। अचानक उसमें आग लग जाती है और वो जलकर मर जाता है। आग में जल रहे वंशी को सात्विक मुनि देखते ही रह गए। सभी गांव वाले सात्विक मुनि के पास जाकर हमें बचाइए स्वामी कहके चिल्लाते हैं। तुम्हारे गांव के सभी लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। सभी मेरे पीछे चलिए, अभी ग्राम प्रधान नारायण जी के घर जाना है।
सात्विक मुनि, बालाजी, सभी ग्रामीण ग्राम प्रधान नारायण के घर जाते हैं। सब देख रहे थे कि नारायण के घर का छत फट गया है और उसमें से नारायण हवा में झूलते हुए जोर से चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो मंजरी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ छोड़ दो। मंजरी कौन है? मंजरी हमारे गांव के स्कूल में मंजरी नाम की एक शिक्षिका थी। वो हमेशा अकेली रहती थी, लेकिन सारे गांव वाले ये कहते थे कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, अच्छी थी। रात में शमशान में जादू टोना में गड़बड़ी हो गई और सब लोगों को देखते हुए ही एक दिन मंजरी शिक्षिका के जादू टोना की पूजा करते करते आग में जलकर मर गई, ऐसे दादाजी ने मुझे बताया। आखिर उसी की गलती थी और उसकी मौत बन गई। वो बहुत बड़ी क्षुद्र तांत्रिका है। हाँ स्वामी। नहीं, जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मुझे लगता है कि कुछ और ही हुआ होगा। नहीं, जो कुछ भी हो आप सब लोग खतरे में हैं, ये सच है। स्वामी क्या आप हमें बचा नहीं सकते? आप तो तपो संपन्न है स्वामी। मैं ऐसी बुरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक तपो संपन्न हूँ। ये किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। बताइए स्वामी। ये कार्य मंत्र वाली गोरका से ही हो सकता है। मंत्र वाली गोरका? वो गांव के उत्तर में असाध्य पहाड़ियों के पार बिल्व गुफा में रहती है। वो मंत्रों वाली गोरका ही आपको बचा सकती है। वो एक महान तांत्रिका है, जब आपको जो अपनी शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करती है। वे आप लोगों की मदद जरूर करेगी। तुरंत जाकर उन्हें सब कुछ बताइए, सिर्फ वे ही एक आसरा है। लेकिन हमने मंत्र जाप गोरका के बारे में बहुत सुना है, उन्हें कभी देखा नहीं। क्या मंत्र जाप वाली गोरका यहाँ आएगी? क्या हमें बचाएगी स्वामी? बुरी शक्ति को समाप्त करने के लिए मंत्र गोरका कहीं भी आ सकती है। धर्म को बचाने के लिए मंत्र गोरका बिल्व गुफा में नहीं है, रुद्र सागर के बीच में बीज बिंदु पर बैठकर तपस्या कर रही है। मैं रास्ता बताता हूँ, आप लोग जाकर मंत्र गोरका को ले आइए। बालाजी के साथ तीन अन्य ग्रामीण बड़ी मुश्किल से रुद्र सागर के तट पर पहुंचकर उन भयानक लहरों को देखते ही रह गए। इस महासमुद्र के हम बड़ी कठिनाइयों से इस रुद्र सागर तक पहुंच सके हैं, बीच में नहीं जा सकेंगे तो हम क्या करें? बालाजी, सात्विक मुनि ने कहा था कि यदि हम उस मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र गोरका तपस्या से उठकर आएगी। बालाजी और ग्रामीण समुद्र के किनारे खड़े होकर मंत्र का जाप करने लगे। जी, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ हुआ सब जान लिया है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम इस विहंगम तरंग पर चलते हुए जाएंगे। जब मंत्र गोरका ने मंत्र का जाप किया तो रथ प्रकट हुआ। ओम फट विहंग तरंगिनी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। खतरा, बहुत बड़ा खतरा। जहां तक मुझे पता है अभी तक कई लोग मर गए होंगे, बचना असंभव है। अगर वे बच जाते हैं तो यह उनका नसीब होगा। नसीब? मंत्र गोरका और सभी गांव वाले देख रहे हैं। गांव की एक महिला हवा में 6 फीट ऊपर उठी, उड़ती हुई आई, मंत्र गोरका के सामने आकर उल्टा लटकते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, रोने लगी। मंत्र गोरका, बचा सकते हैं, बचाओ माँ बचाओ। कौन मार रहा है? क्यों मार रहा है? बिना ये जाने कि हम क्यों मर रहे हैं, हमारे सारे गांव वाले मर रहे हैं। आपको ही हमें बचाना होगा। और इस तरह अचानक बातें करते करते ही उस महिला के शरीर में चिंगारी से आग लग गई और मंत्र गोरका के सामने ही वो जलकर भस्म हो गई। कौन हो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे सामने आओ।
जब मंत्र गोरका के जोर से बुलाने पर अचानक सारा आकाश काला हो गया। एक बड़ी हवा चली, वज्रपात और बिजली, लोमड़ियों की चीख से सारा वातावरण भयभीत हो गया। आकाश से एक भयानक आकार आया और मंत्र गोरका के सामने उतरा। गोरका को घूरता हुआ, कौन हो तुम? मेरे गांव में क्यों आई हो? चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पीऊंगी। भूत जोर से हंसते हुए गायब हो गई। आप लोग मंजरी के बारे में जो कुछ जानते हैं मुझे सब बताइए। वास्तव में क्या हुआ था? क्यों आपके गांव से बदला लेना चाहती है? इसे मत छोड़िए, मंजरी एक जादू टोना करने वाली तांत्रिक है। ग्रामीण ने गोरका को सब कुछ बताया जो वह जानना चाहता था। इतने में एक और ग्रामीण महिला सामने आई और बोली, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं करती थी, उसे अन्याय पूर्वक मार डाला गया, ऐसा मेरी दादी ने मुझे बताया। मंत्र गोरका, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं मैं पता लगाऊंगी। वास्तव में क्या हुआ था? मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर मंत्र गोरका ने सभी गांव वालों को चौपाल के पास बुलाया। वशीकरण रंगोली बनाकर मंजरी को बुलाया। भूत के रूप में मंजरी वशीकरण रंगोली के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाने को कहा था ना? एक तो तुम गई नहीं, ऊपर से मुझे इस रंगोली में बंदी बनाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अभी इन गांव वालों के सामने मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मंजरी, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हें बुलाया है। वास्तव में क्या हुआ था? तुम इस गांव के लोगों से बदला क्यों लेना चाहती हो? कुछ साल पहले मैं एक स्कूल टीचर के रूप में इस गांव में आई थी। मेरे आने के कुछ ही दिनों में बच्चों के बहुत करीब आ गई थी। बच्चे मेरे पाठ ध्यान से सुनते थे। स्कूल की छुट्टियां होने पर मैं अपने गांव चली गई। जब वापस मैं गांव में पहुंची तो रात हो चुकी थी। मैं गांव के सरहद पर चल रही थी। मुझे लगा कि गांव के अंतिम छोर पर मंदिर में कोई है। मैं मंदिर के अंदर गई। अंदर पहुंचने के बाद मैंने जो देखा वो बताती हूँ। नारायण जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैडम जी, हम यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं क्योंकि मेले का समय निकट आ रहा है। ठीक है नारायण जी, मैं चलती हूँ। जब मैं वापस जा रही थी मैंने किसी को कुछ खोदते हुए सुना। नारायण जी, ये ध्वनि कैसी है? तुम जाओ, कुछ गिर गया होगा। सुरंग साहब, साहब रास्ता निकल गया है और अब वो गुप्त निधि आपकी है। गुप्त निधि? गुप्त निधि की तलाश करना कानूनन अपराध है नारायण जी। अगर आप अभी इस काम को नहीं रोकोगे तो मैं जाकर पुलिस में कंप्लेन करूंगी। अरे मैडम जी, हमें मालूम नहीं था इसलिए सुरंग खोदा। अरे सभी काम बंद करके आ जाओ, हम अभी इसका काम रोक रहे हैं। किसी से मत कहना मैडम जी। उसके बाद नारायण कई दिनों तक घर पर ही रह गए। क्या हम उस मैडम के डर से हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे साहब? है, आप ही बोलिए साहब, उसे मार डालेंगे? इस गांव के लोगों से मरवाएंगे। मारेंगे नहीं, मरवाएंगे। कैसे साहब? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो रंगा। नारायण के कहे अनुसार रंगा आधी रात को हमारे घर में आकर घर के पिछवाड़े में छुद्र पूजा की सामग्री दफना कर चला गया। मैं नींद में थी इसलिए मुझे कुछ नहीं पता चला। रंगा नारायण से रुपए लेकर अपनी पत्नी को देकर, तुम्हारे लिए ये रुपए है। इतने सारे रुपए और आएंगे अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगी तो। अगली सुबह रंगा ने अपनी पत्नी को क्या करना है बताया। भगवान का प्रसाद बताकर उसे जहर मिलाया हुआ तीर्थ देकर मेरे घर भेजा। उन बातों से अनजान रंगा की पत्नी गांव के बीचों बीच सब देख रहे थे। ऐसे चल रही थी जैसे उसे भूत ने पकड़ा हो। मेरे घर के पिछवाड़े पेड़ के पास आकर खड़ी होकर झूमते हुए मुझे बचाइए बचाइए कहते हुए मर जाती है। अगले दिन गांव के सभी लोग मेरे घर पर आए। अध्यापिका जी, बाहर आओ।
क्या हुआ? सभी लोग आए हैं? तुम पढ़ाने आई हो या क्षुद्र पूजा करने आई हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या मतलब है। रंगा रोते हुए आकर, इस मंजरी ने मेरी पत्नी को मार डाला है साहब। नारायण द्वारा दिए गए पैसे की लालच में एक और ग्रामीण आकर, नारायण जी मंजरी की साड़ी शमशान में मिली। गांव के लोगों ने सच्चाई जाने बिना ही गुस्से में मुझ पर पत्थर फेंके। मार डालेंगे, इस मंजरी को मार डालेंगे। जो लोग मुझे मारने आ रहे थे उन्हें नारायण ने रोक दिया। रुको, पागल मत बनो, पहले उस जगह को खोदो जहां रंगा की पत्नी की मृत्यु हुई थी। पिछवाड़े पेड़ के पास खुदाई करने पर क्षुद्र पूजा से संबंधित सामान बाहर निकलते हैं। मुझे नहीं पता कि वे मेरे पिछवाड़े में कैसे आए, मुझ पर विश्वास कीजिए। मंजरी, मैं तुम्हें 3 घंटे का समय देता हूँ, नहीं तो हमारे गांव साबित करो कि तुमने ये गलती नहीं की है कि लोग तुम्हें मार देंगे। अभी सब लोग चलिए। नारायण घर गया और कुछ ग्रामीणों को बुलाकर उन्हें पैसे की लालच देकर उनसे बोला, आप सभी गांव के लोगों में शामिल होकर शाम को मंजरी को गांव के बीचों बीच क्षुद्र पूजा करने के जुर्म में पत्थर मारकर चौपाल के पास पेड़ के ऊपर उल्टा लटका कर जलाकर मार देना। मैं आपके घर पैसे भिजवा दूंगा, अभी आप सब जाइए। मैंने बहुत विनती की पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे पत्थरों से मारा और मुझे प्रताड़ित किया, मुझे पेड़ से उल्टा लटका दिया और जलाकर मार दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मुझे अन्यायपूर्वक मारा गया था, इसलिए मैं गांव वालों से बदला लेने आई हूँ। अमावस्या क्षुद्र देवता की तपस्या करके काल प्रतीक विद्या सीखकर इस गांव में आकर मुझे मारने वाले सभी को मार रही हूँ। अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मार डालूंगी, सारे गांव वालों को मार डालूंगी। अरे मंजरी, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है बेटी। मंजरी, तुम्हें मारने वाले नारायण को तुमने मार डाला, पैसों के लालच में उसकी मदद करने वालों को भी तुमने मार डाला, और अब इन गांव वालों को छोड़ दो। गांव वालों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये निर्दोष लोग हैं, नारायण के बताए अनुसार किया, नहीं बिना ये जाने कि क्या हुआ, मेरी बात मुझसे बिना पूछे उन्होंने मुझे मार डाला। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमसे विद्या सीखने वाले बच्चों के माता पिता को मारकर उन्हें अनाथ कर दोगी। उन बच्चों के खातिर इन गांव वालों को माफ कर दो बेटी। मंजरी, मैं अपनी सारी मंत्र शक्ति का उपयोग करके तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करूंगी। मेरी बात सुनो मंजरी। बिना आगे पीछे कुछ भी सोचे अन्याय से मुझे मारा गया। इसी गुस्से से मैं इन सब लोगों को मारना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये सभी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ठीक है, मैं इन गांव वालों को माफ कर दूंगी और मैं दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। मंजरी भूत गायब हो गई। सभी गांव वालों ने मंत्र जाप वाली गोरखा को धन्यवाद किया। ओम फट विहंग तरंगिनी, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। जैसे ही मंत्र बोला गया रथ प्रकट हुआ। मंत्र गोरखा फिर से तपस्या करने चली गई।